जय मसीह की। आज के इस स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात आत्मिक रहस्य आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहूंगी। रोमियो का पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका पहला वचन ऐसा कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि हम अधिकारियों के और अधिकार के अधीन रहें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक रहस्य है, एक स्पिरिचुअल लॉ है, जो कि हम परमेश्वर के वचन में बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि हम परमेश्वर की ओर, उनके संबंध में ये बात समझें कि गॉड डिजायर्स दैट वी सबमिट टू हिज अथॉरिटी इन आवर लाइफ एंड वी ओबे हिम। ये तो अच्छी बात है कि हमने प्रभु के जो है प्रेम को समझ लिया, परमेश्वर के रक्षा को जो है हमने अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लिया, उनकी कृपा को हमने समझ लिया, और हम प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए जो है हम डिसीशन ले लेते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और बात हमारे आत्मिक जीवन में हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है, और वो ये है कि प्रभु जो है हमसे कुछ डिमांड करते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि हम उनके अधिकार के अधीन रहें, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। He demands obedience from us। पर वो इस तरह से नहीं जैसे मान लीजिए कोई जो है बिल्कुल हमसे कुछ करवाना चाहता हो, और वो जो है बिल्कुल बुरी तरह से हमको मार पीट करके हमसे कुछ बात करवा रहा हो, परंतु एक प्रेमी पिता जो है, जो अपने बेटे बेटियों की भलाई चाहते हैं और जो हर समय उनकी भलाई के लिए उनको अच्छी आज्ञाएं देते हैं और अच्छी बातों को बता के देते हैं, उसी तरह जिस तरह से हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा करो, हम वो बात इसलिए कहते हैं कि जब तुम उसको मानोगे, जब तुम उन बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा जिंदगी जो है आशीष में आगे बढ़ेगा। इसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और जिस किसी अधिकारी को भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, हम उनके अधीन रहें। सबमिशन टू अथॉरिटी इन आवर लाइफ इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल सीक्रेट। और मान लीजिए अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, और बलवा करने वाला एक स्वभाव हमारे अंदर में है, रेबेलियस नेचर हमारे अंदर में है, और हर समय हमारा दिल अगर ऐसा कहता है कि हम क्यों तुम्हारा बात माने, हम क्यों किसी के अधीन रहें, मुझे जो भी अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, इस तरह के विचार अगर आपके अंदर में है तो ये प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है शाऊल राजा की जिंदगी में एक बहुत जो है महत्वपूर्ण समय था वो, और प्रभु ने उनको ये आज्ञा दी थी कि तुम जा करके जो है अमालेकियों के विरोध में तुम युद्ध करो और उनको पूरी तरह से तुम नष्ट कर दो, कोई कोमलता तुमको नहीं दिखाना है, पूरी तरह से तुम उनको नष्ट कर दो। लेकिन उसने क्या किया, आप आगे उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रभु की आज्ञा को मानता तो है पर पूरा पूरा नहीं मानता है। उसने जो है युद्ध किया पर सारी चीजों को नष्ट नहीं किया, कुछ बातें जो अच्छी थी, जो उसकी आंखों में अच्छी लगी, उसको जो है उसने बचा लिया और अपने साथ लेकर के आ गया। लेकिन अपने भविष्यवक्ता को, शमूएल को, प्रॉफिट को प्रभु परमेश्वर जो है राजा के पास भेजते हैं और ये कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसका 19वां वचन ऐसा पढ़ता है, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ये जो तुमने किया ये यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हो सकता है तुम इसको एक छोटी बात मान रहे हो,
और तुम्हें लगता है कि मैंने ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो किया नहीं, लेकिन ये यहोवा की दृष्टि में बुरा है। दिस इज नॉट प्लेसिंग इन द साइट ऑफ गॉड। और आगे जाकर के वो ये कहते हैं, 22वां वचन कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। और नीचे 23वां वचन कहता है, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना परमेश्वर की आंखों में वो एक बहुत गहरा पाप है जो कि तुम्हारी जिंदगी की दिशा को बदल देगा, तुमको प्रभु से दूर ले जाएगा। भावी कहने वालों से पूछने जैसा ही पाप है। और हट करना मूरतों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तुम अगर हटी हो, हट करना परमेश्वर की आंखों में कितना बड़ा पाप है। और हमें पता है, आगे जब हम इस बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि शाऊल राजा की जिंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ। छोटे छोटे स्टेप में जो है उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने टाल दिया, और उसका अंत किस तरह से हुआ इसको हम समझते हैं। तो एक बहुत बड़ा आत्मिक रहस्य है ये समझना कि जिस तरह से हम परमेश्वर की रक्षा को अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में रहना हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही प्रधान बात है। और उसी तरह से जिस किसी अधिकारियों को भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, हम उनके अधीन रहें, ऐसा परमेश्वर हमारे बारे में चाहते हैं। वो हमारे घर से शुरू होता है। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल व्यक्त रूप से ये कहता है कि इस तरह का एक गॉडली ऑर्डर हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में परमेश्वर चाहते हैं, तभी जाकर के वहां पर जो है शांति आएगी। पत्नियां जो हैं अपने पतियों के अधीनता में रहे। बच्चों से ऐसा कहा गया है कि बालकों से ऐसा कहा गया है कि तुम अपने माता पिता के अधीन रहो। और जब हम कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो वहां पर जिस किसी पासवानों को, अधिकारियों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, लीडरों को खड़ा किया है, हम उनके अधीन रहें। वही नहीं, केवल घर और कलीसिया में नहीं, जिस किसी देश में हम रहते हैं वहां के नियमों के अधीन रहे, वहां के अधिकारियों के अधीनता में हम रहें, ऐसा परमेश्वर हमारे बारे में चाहते हैं। जब ऐसा कोई संदर्भ आ जाए कि अधिकारियां, अधिकार में जो लोग हैं वो अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ करना हमसे चाह रहे हैं, तो हम वहां पर एक स्टैंड जरूर ले सकते हैं। जिस तरह से प्रेरितों की जिंदगी में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम वो पुस्तक में जब हम जाते हैं, तो वहां पर उनसे कहा गया कि तुम यीशु मसीह के बारे में जो है इस वचन को तुम प्रचार नहीं कर सकते हो। पर उस समय उन लोगों ने ऐसा उत्तर दिया कि हम आपसे भी ज्यादा, हम परमेश्वर के वचन को जो है उसका आज्ञा पालन करना हमारे लिए जरूरी है। ऐसे संदर्भ में हम प्रभु के वचन के अनुसार एक स्टैंड जरूर ले सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जगह पर, जहां पर हम ऑफिस में काम करते हैं, मान लीजिए किसी भी जगह पर हम क्यों ना हो, सारे अधिकारियों के अधीनता में हम रहें, ताकि हमारी जिंदगी में शांति हो। गॉडली ऑर्डर ब्रिंग्स द पीस ऑफ गॉड इन अवर रिलेशनशिप्स, ऐसा प्रभु हमारे बारे में चाहते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि कितने ही ऐसे संदर्भ हैं जहां पर आज्ञा पालन ना करने के कारण जो है लोग पाप में गिर गए। आदम से शुरू होता है, और हम देखते हैं कि हर जगह पर जो है इस कारण से जो है कंफ्यूजन आया। मूसा के बारे में हम देखते हैं, वहां पर अहरोन और मिरियम, वो लोग मूसा के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि क्या प्रभु केवल मूसा से बातचीत करते हैं, वो तो हमसे भी बात करते हैं। इस तरह से उनके अंदर में जो है एक रिबेलियन आ जाता है, हट करने लगते हैं वो।
बलवा करने लगते हैं, रेबेलियन, और तब जाकर के उनके विरोध में परमेश्वर वहां पर किस तरह से उठ खड़े होते हैं और उनसे क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपको पता है। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि जिस किसी के अधीनता में भी उन्होंने हमें रखा है, जिस किसी अधिकारियों को भी परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में खड़ा किया है, हम उनकी अधीनता में रहे। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में आता है, वो आत्मिक रीति से हमें ऊंचा उठाने में बहुत ही जो है मददगारी बात बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में हम वही देखते हैं कि वो जब इस दुनिया में आए, सो ही वॉज एब्सोल्यूटली ओबीडियंट टू हिज फादर। वो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को व्यतीत कर दिया। वो ही नहीं, इस दुनिया में जो उनके माता पिता थे और जो अधिकारी लोग थे, उन सारे लोगों के संबंध में जो है उनकी जिंदगी में वो अधीनता को हम देखते हैं कि किस तरह से वो उनकी अधीनता में रहे और अपनी जिंदगी को व्यतीत किए। देयर वॉज ए स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनकी जिंदगी में हम वो देखते हैं कि आज्ञा का पालन करना सबसे प्रधान बात जो है उनकी जिंदगी में था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक रहस्य है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इसके बारे में मुझे और भी ज्यादा प्रकाशन दीजिए। परमेश्वर ऐसा कोई जो है, लेट देयर बी नो हिंट ऑफ रेबेलियन इन माई लाइफ ओ गॉड। बलवा करने वाला वो जो नेचर है उसका एक अंश भी हमारी जिंदगी में ना रहे परमेश्वर, क्योंकि वो एक बहुत जो है नेगेटिव रास्ते में हमारी जिंदगी को ले जाने का एक पोटेंशियल उसके अंदर में है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे और यीशु मसीह के पीछे पीछे उन्हीं के तरह, उनके चेले बनकर, उनके समान बनकर हम आगे बढ़े। इन बातों में परमेश्वर हमारी सहायता।